एग्जाम रूम में आपका स्वागत है। आईबीपीएस पीओ की जो वैकेंसी निकली थी उसके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 14 तारीख से, मतलब कल से, कल शाम को ही आए थे नाइट में, है ना, और 30 तारीख से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपका पेपर कब पड़ा है? अभी मुझे मैसेज आया था, ठीक है, तो मैंने उसमें चेक किया कि उसमें हमारा मेरा पेपर कब पड़ा है, तो मैंने उसके रिगार्डिंग इसमें चेक किया। और इसमें मेरे सबसे पहले आपको क्या करना है, चेक करने के लिए आप इस पेज पे आएंगे। इसका पेज मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, और इस पे इंग्लिश आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, ठीक है। और यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, ये डमी नंबर है तो इस पे मत जाइएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर जो भी आपके मैसेज में आया हो या मेल में आया हो, आप उसको यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ अपनी पेस्ट करनी है, डेट ऑफ बर्थ ऐसे पेस्ट करनी है कि जैसे कि लाइक दिस, एक सेकेंड, 01, एक सेकेंड, 01 ऑब्लिक 02 ऑब्लिक 23, मतलब लाइक दैट, है ना, आप समझ गए होंगे। तो बस इस तरीके से आपको यहाँ पे भरना है, जैसे कि लिखा है DDMMYY, और यहाँ पे बस कैप्चा कोड डाल के लॉग इन कर देना। जैसे आप लॉग इन करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको खुल के आ जाएगा, और यहाँ पे ये आपका एडमिट कार्ड होगा कंप्लीट। आप ऊपर नीचे करके देख सकते हैं, कुछ मिस प्रिंट मिस तो नहीं है, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्लिक टू प्रिंट पर करना। जैसे आप क्लिक टू प्रिंट करेंगे तो आपको इसके इस तरीके का आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आप स्क्रीन पर जाएंगे, जैसे अभी ड्रेस की डिटेल के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका नाम वगैरह होगा, यहाँ पे आपका जो जिस दिन एग्जाम है उस दिन की डेट वगैरह होगी, ठीक है, डेट और टाइम होगा। यहाँ पे लॉग इन आईडी और यूजर होगा जो आपको वहाँ पे जरूरत पड़ेगा जब आप पीसी में लॉग इन करेंगे पेपर देने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपका बार कोड दिया गया है जो स्कैन करके आपकी एंट्री होगी, और यहाँ पे आपकी फोटो होगी, है ना। और यहाँ पे आपकी जो, यहाँ पे जो फोटो है वो आपको यहाँ पे पेस्ट भी करनी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ जो इम्पोर्टेंट, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे स्क्रीन पे दिया जाएगा। डिक्लेरेशन वगैरह ये सब आपको बनी है, आपको इन तीनों में से कुछ लिखना है। यहाँ पे आधार, ठीक है, और यहाँ पे जैसे कि आधार का नंबर यहाँ पे आपको साइन करना है। ये वहाँ पे इन्विजिलेटर और जो वीओ वगैरह वो वहाँ पे साइन करेंगे, ठीक है। अब मेन चीज़ देख लेते हैं कि आपको लेके क्या जाना है। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट पूरा बता दूंगा। अब देखो, दिस इज एसेंशियल पे मैं आपको वो चीज़ बता दूँ। इसने लिखा है फोटो अफेक्ट ऑन देम, मतलब यहाँ पे जो फोटो आपको चिपकानी है, एंड ए फोटो कॉपी ऑफ द फोटो आइडेंटिटी प्रूफ इज स्टेपल्ड विद, मतलब जो आपको आईडी ले जाए, जैसे कि आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है, ये सब चीज़ ले सकते हैं हम, ठीक है। इनमें से ये जो दूसरा पॉइंट में लिखे हुए हैं ना, इनमें से आप कोई भी ले जा सकते हो, ठीक है। लेकिन ये जो तीसरा पॉइंट है ना, राशन कार्ड और लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस, ये इनवैलिड है, ठीक है, ये वैलिड आईडी नहीं है वहाँ पे, ठीक। तीसरा, जैसे कि मैंने बता दिया कि ओरिजिनल इसमें फोटो चिपकानी है, ओरिजिनल आईडी की फोटो कॉपी लिख के जानी है, ओरिजिनल आईडी लिख के जानी है, एंड वन एडिशनल फोटोग्राफ इज एसेंशियल। इसके अलावा यहाँ पे चिपकाने के अलावा एक अधिक आप फोटोग्राफ अपनी लेके जाइएगा, ठीक है। मैं चौथे पॉइंट में आपको बता दूँ डिक्लेरेशन क्या लिखा हुआ है। द कैंडिडेट रिपोर्टिंग विदाउट वन फोटोग्राफ पेस्टेड ऑन द कॉल लेटर एंड वन एडिशनल फोटोग्राफ विल नॉट बी अलाउड टू अपियर। देखो, अगर आप एक इसमें चिपकाने के बाद, यहाँ पे चिपकाने के बाद और एक और अतिरिक्त नहीं ले जाते, तो इसमें इन्होंने बोला है कि आपको एंट्री नहीं मिलेगी। लेकिन आपको ले जाना चाहिए, एक नहीं मेरे ख्याल से दो भी ले जाना चाहिए। बाई मिस्टेक अगर एक कहीं पैनल निकालते वक्त या चेकिंग के दौरान अगर गिर जाती है तो आपके पास एक दूसरा ऑप्शन भी होगा, ठीक है। द कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग द इंक पैड, एक सेकेंड, द कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग द इंक पैड एंड ग्लू अफिक्स ऑन द लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। देखो, वैसे इसकी मैंने अभी तक जितने भी एग्जाम दिए, मुझे कभी भी कहीं पे भी ये चीज़ ले जानी नहीं पड़ी है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, एज यू विश, ऑन योर ऑन, ठीक है। बस ये सब चीज़ें जो थी इम्पोर्टेंट, ले जाना वगैरह मैंने आपको कंप्लीट बता दिया। एक चीज़ देख लेते हैं लास्ट में, हाँ, मैं एक चीज़ देख रहा था, जैसे कि COVID-19 डिक्लेरेशन वगैरह जो था ना वो चल रहा था। अब जैसे कि इसमें लिखा है कि आप मास्क कैरी कर सकते हो, ग्लव्स आप पहन सकते हो, ठीक है, बियरिंग मास्क जैसे इसमें कंपल्सरी लिखा, लेकिन सेंटर कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ मनोटंकी होती नहीं है। सैनिटाइजर वगैरह कुछ भी जो आप चाहो वो आप रख सकते हो, लेकिन एक चीज़ ये मैंडेटरी है, ये आपको लेके जरूर जाना है, सिंपल पेन एंड ब्लू इंक, ठीक है। किसी किसी एग्जाम में दे देते हैं, किसी किसी एग्जाम में नहीं देते, तो आपके पास एक ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है, आप लेके जाइए ना, दिक्कत क्या है। मेरे ख्याल 2 रुपये वाला, 5 रुपये वाला कोई भी एक पेन लेके जाओ, जिससे कि मतलब दैट्स इट, ठीक है। एग्जाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट, द कॉल लेटर, फोटो कॉपी, ये लास्ट में आपको अपडेट दे रहा हूँ, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, ठीक है। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ मतलब जो फोटो कॉपी है, सॉरी, फोटो कॉपी है आइडेंटिटी प्रूफ का, मतलब आधार कार्ड पैन कार्ड का, विथ सेम आईडी कार्ड, ओरिजिनल ओरिजिनल लेके जाना है।
नेम ऑन द आईडी एंड द कॉल लेटर शुड बी एग्जैक्टली सेम। हाँ, इस चीज का ध्यान जरूर रखना कि आपके पास जो भी आईडी आप लेके जाए वो आपकी जो आपने जो फॉरम में आपके देखो यहाँ पे जो आपका नाम वगैरह, नाम कंप्लीट डिटेल वगैरह होगी है ना, यहाँ पे जो आपके नाम वगैरह होगा ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ, उससे कम्प्लीटली मैच्ड होना चाहिए। ये चीज का आप बिल्कुल ध्यान रखें ठीक है। अगर आप कुछ भी ऐसा लेके जाए तो फिर उसके अल्टरनेट कुछ मतलब सॉलिड प्रूफ लेके जाए। इन्होंने बोल देते हैं जब आप फॉर्म भरते हैं ना तो उसमें ऑप्शन आता है कि आप डिफरेंट आईडी एज ए नाम के थ्रू दूसरी आईडी प्रयोग करेंगे तो दूसरा नाम है जैसे आपका है ना बाई मिस्टेक किसी डॉक्यूमेंट में तो वो चीज में करके आपकी आईडी में तो वो आप वहाँ को मेंशन करना पड़ता है। बस यही चार पांच चीजें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वीडियो में लंबी नहीं करूंगा क्योंकि इम्पोर्टेंट था इसलिए मैंने आपको बता दिया कंप्लीट डिटेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।